तरह से अरुण जी को ऊपर प्राथमिकी हुई है, माननीय जिला परिषद सदस्य के द्वारा कराया गया है। हम लोग के पेपर के माध्यम से जब यह संदेश मिला तो हम लोगों ने सोचा कि एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विरोध सभी को करना चाहिए, और विरोध हम लोगों का संविधान में दिया हुआ अधिकार है, उसके तहत अरुण जी गलत सही का विरोध कर रहे थे। लेकिन इनके ऊपर षड्यंत्र रच के इनकी लोकप्रियता को देखते हुए इनको फंसाया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य जो कलेर भाग वन की है, हम उनसे यही पूछना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, जब जिला परिषद अध्यक्षा संध्या देवी अच्छा थी तो उनके अविश्वास प्रस्ताव में आप समर्थन में खड़े थे, अविश्वास प्रस्ताव लाए, और क्या कारण है कि 2 से 3 दिनों में जब अविश्वास प्रस्ताव पर वहाँ समरणालय में माननीय जिला पदाधिकारी के समक्ष जब चर्चा हुआ, जिला परिषद अध्यक्षा के समर्थन में खड़े हो गए? तो यह पूरी प्रकरण से साफ जाहिर होता है कि आपने पैसा का खेल किया है जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में, और रातों रात आपने विरोध का समर्थन में बदल देना आपका प्रवृत्ति समझाता है कि आप लोग पैसा का खेल किए हैं। और यही बात अरुण यादव जी ने लिखा है और उनको फंसाया गया है। जिला परिषद सदस्य को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, वेश्या और वैश्या में अंतर होता है, इन्होंने वैश्या लिखा है, वेश्या नहीं लिखा है, और इस आधार पर इनके ऊपर केस किया जाना यह कतई उचित नहीं है। और जो केस का अनुसंधानक है उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि अगर आपको जब भी जरूरत पड़ेगी केस के सिलसिले में, अनुसंधान के सिलसिले में, तो अरुण यादव आपको कोऑपरेट करने के लिए हमेशा तैयार हैं, जहां बुलाइएगा ये जाएंगे। लेकिन हम जिला परिषद सदस्य से यही पूछना चाहते हैं कि एक भी काम आपने क्षेत्र में नहीं किया, आप सिर्फ चुनाव जीती है पैसा के बल पर, और जो आप चुनाव में आई है यह पैसा कमाने के लिए आई है, और अरुण यादव के ऊपर जो है तो प्राथमिकी दर्ज किया गया है उसमें SC ST एक्ट लगाया गया है, लेकिन इनके द्वारा कहीं पर भी इस तरह का शब्द या इस तरह का व्यवहार का उपयोग नहीं किया गया है जो SC ST एक्ट के दायरे में आ सके। तो यह पूरी तरह से एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया जा रहा है। तो इसमें जब इन्होंने व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा उसमें SC ST शब्द का प्रयोग नहीं किया या ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया जो SC ST दायरे में आ जाए आता हो, या जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो यह एक बड़ा खेल है, षड्यंत्र है युवाओं को फंसाने के लिए, राजनीति से दूर करने के लिए। कुछ लोग, एक वर्ग है अरवल में स्थापित है जो युवा जो वर्ग है जो राजनीतिज्ञ है, उनकी करेक्टर को और उनकी भविष्य को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है और ऐसी राजनीति लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देती है। और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से जिला परिषद सदस्य से कि आप सार्वजनिक रूप से इस काम के लिए, इस विषय के लिए माफी मांगे, और नहीं तो हम लोग इसके लिए भी आगे के कार्रवाई करेंगे और आंदोलन करने का काम करेंगे। 28 जून को जिला परिषद अध्यक्ष संध्या देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसमें शामिल जिला परिषद सदस्य कलेर भाग वन की सदस्य जिला परिषद अमृता रानी जा करके अरवल जिला पदाधिकारी महोदय श्री वर्षा सिंह को अविश्वास प्रस्ताव सौंपी थी कि जिला परिषद अध्यक्ष संध्या देवी कोई काम के इनका अरवल के विकास में इनका कोई रोल नहीं है और हम इनको गिराना चाहते हैं और विश्वास ला करके नया अध्यक्ष का चुनाव करना चाहते हैं। और इसके बाद फिर वही अमृता रानी, वही सदस्य अमृता रानी फिर उसी को पुनः बनाया है। तो यह जनता में एक पूरा आक्रोश और पूरा यह इस तरह का माहौल क्रिएट करके ये जनता का जनादेश लेकर के और जनता का अपमान करना, लोकतंत्र का हत्या करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हम उनको जो है पूरे जनता में इस बात को हम कहें कि अगर संध्या देवी ठीक ही थी और अच्छी थी तो आप गिराए क्यों, और जब गिराए तो फिर आप जाए कि उसी खेमे में अविश्वास भी आप ही लाई अमृता रानी, और फिर विश्वास मत में भी अमृता रानी शामिल रही, तो इससे जनता में क्या मैसेज गया और जनता क्या समझ रही है? तो ये जनता का जनादेश लेकर के और खुद का निर्णय लेना यह कहीं से उचित नहीं है। इसको जनता माफ नहीं करेगी। इसको लेकर के हम
मीडिया में आकर के और अपने प्रेस के माध्यम से बोले थे कि अमृता रानी एक बिकाऊ है और बैस परिवृत्ति के, हम बैस बोले थे, बैस हम इसलिए बोले थे कि बैस तो एक समाज होता है, बैस एक व्यवहार, एक कारोबार करने वाले को हम बैस बोल सकते हैं। बैस वही करता है जो कारोबार करता है, खरीद फरोख बिक्री करता है, उसको भी हम बैस बोल सकते हैं। इसलिए हम बोले कि पैसा पर बिकना, पैसा का खरीद बिक्री करना, इधर उधर करना, ये बैस समाज का काम है और बैस प्रवृत्ति के लोग का काम है। कोई मामला नहीं था और ये मामला एक सप्ताह पहले खत्म हो गया था और एक सप्ताह के बाद आज कुछ लोगों का, हमारी बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ती राजनीति में, समाज में लोकप्रियता को मतलब डाउन करने के लिए ये कुछ लोग जो हैं ये राजनीतिक द्वेष भावना को लेकर के इस तरह के मामला को क्रिएट करना चाहते हैं। यह कोई मामला नहीं है, हम समझते हैं कि, और 7 दिन बीत जाने के बाद इस तरह का FIR करना कहीं से उचित नहीं है। ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत निंदनीय है।